राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी ने हलचल मची हुई है। वसुंधरा राजे की दूरी को लेकर राजनीति जानकर असंतुष्ट है। बताया जा रहा है कि राजे 10 दिनों से दिल्ली में होने की खबर है। उनकी अनुपस्थिति को लेकर तरह तरह के कयास लगाने शुरू हो गए हैं। इस बात को लेकर भाजपा में हलचल मची हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 10 दिनों से दिल्ली में क्या करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब इस मामले की पड़ताल की गई और जो बात सामने आई वो हैरान कर देने वाली है। दरअसल भाजपा की 4 बड़ परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत के मौके पर राजे मौजूद रही। इस दौरान केंद्र के नेताओं ने राजे के शासनकाल की जमकर तारीफ की। वहीं वसुंधरा ने भी नेताओं की तारीफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बाद वसुंधरा राजे अचानक परिवर्तन यात्रा से गायब हो गईं। ये सवाल सियासत में काफी खटका और उनकी अनुपस्थिति को भाजपा की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जब सामने आया कि वसुंधरा राजे 10 दिनों से दिल्ली में हैं, तो उसके बाद सियासत और गर्म हो गया। राजनीतिक जानकार वसुंधरा राजे के दिल्ली के प्रवास को लेकर कई मायने निकालने में लग गए। लेकिन जब मामले की पड़ताल की गई तो सामने आया कि राजे की बहू और उनके पुत्र दुष्यंत की पत्नी निहारिका गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्हें कैंसर है और वो कैंसर 4th स्टेज पर पहुंच गया है, जिसके कारण वसुंधरा अपने पुत्र वधु दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती है। लिहाजा राजे अपनी बहू की देखरेख के लिए दिल्ली गई हुई है। गौरतलब है कि राजस्थान की भाजपा की ओर से निकाली जा रही 4 परिवर्तन यात्राओं के समापन पर 25 सितंबर को जयपुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे पीएम मोदी की सभा से पहले अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से जानना चाहती हैं। माना जा रहा है कि 25 सितंबर को पीएम मोदी की सभा से पहले वसुंधरा राजे राजस्थान नहीं आएंगी। इसी दौरान वसुंधरा पीएम मोदी की सभा में ही सीधे राजस्थान आएंगी। ऐसे में राजे हाईकमान को ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी भूमिका स्पष्ट की जाए। लोकवार्ता न्यूज़ जयपुर।